एक मिनट सर दोबारा बोल। मैं प्रिंसिपल भूपिंदर वीडियो ब्लॉगर हूँ और मेरे साथ सीमा जी हैं। अभी इनकी हाल ही में बुक रिलीज हुई है, बुक लॉन्च पे मैं भी गया था। ये एक अच्छी लेखक है, अच्छी इंसान है, अच्छी मदर है, अच्छी वाइफ है और वेरी गुड ह्यूमन बींग। यहाँ के लिटरेरी सर्कल में इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल भूपिंदर के लिए इनसे बातचीत कर रहा हूँ, इनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। मैं वैसे अपने बारे में बता दूं कि मैं एमए इंग्लिश का हेड रहा हूँ और मैं क्रिटिसिज्म का पेपर, कविताएं का पेपर बहुत सालों तक पढ़ाता रहा हूँ। ये मेरी क्वालिफिकेशन है इनको इंटरव्यू करने के लिए। आजकल मैं वीडियो ब्लॉगर हूँ ट्राई सिटी चंडीगढ़ का। तो सीमा जी नमस्ते, बड़ा अच्छा लगा, गुड डे। तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे जी, तो आपकी ऑनर धन्यवाद। ये मैडम, मैं आपसे ना अभी बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी कविताएं सुनना चाहता हूँ। आपकी बारी। जरूर, ये मेरी पहली किताब नील पाठी, मैं इसमें से ही अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहूंगी। हाल ही में रिलीज हुई है और ये बहुत खुशी का मौका है कि मैं प्रिंसिपल सर को अपनी कविताएं सुना रही हूँ। इसमें से मैं पहली कविता जो सुनाना चाहती हूँ, तुम्हारे ख्याल से मैंने आने दिया तुम्हारे ख्याल को, जैसे मेरा आंगन बुलाता है सुबह की धूप को। क्या बात है, सुबह की धूप। गमलों में खिले पुष्प बुलाते हैं तितलियों को, सर्द रातें जैसे अग्नि किताब को। लिखती हूँ कुछ कविताएं, मगर ऐसा भी हुआ कि न जाने लिखते लिखते शब्द कहीं खो जाते हैं। शब्द कहीं खो जाते हैं। मेरी प्रतीक्षा समाप्त नहीं होती, मेरी प्रार्थना में तुम आवाज बनते हो। मेरी प्रार्थना में तुम आवाज बनते हो। तुम्हारे ख्याल से मेरा मौन चहकने लगता है, मैं अपने भीतर तुम्हारा स्पर्श अनुभव करती हूँ। तुम मेरे सुख के एहसास के खिले हुए गुलाब बनकर मन की हरियाली में झूमने लगते हो। मन की हरियाली में झूमने लगते हो। ये थी एक प्रेम को समर्पित। मैं स्त्री पर एक कविता सुनाना चाहूंगी कि अक्सर बाद में चिता उसके मृत्यु के बाद उसे देवी कहा जाता है या बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो जीते जी उसकी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं उसके मन की बात कहना चाहती हूँ। उसकी औरत की चिता को मुखाग्नि देते पुरुष के हाथ कितने अपवित्र लगते हैं। जिंदा पल पल मरती जलती स्त्री की आत्मा को कुचलते पुरुषत्व का अहंकार तब क्यों उसे मीरा, राधा, अहल्या, सीता या सती नहीं कहता। मृत्यु उपरांत देवी की संज्ञा देने से अपने अहंकार को और पोषित करता पुरुष भूल जाता है कि जीवन भर अपने अस्तित्व को प्रमाणित करती स्त्री प्रतिदिन अग्नि परीक्षा से गुजरी है। विषाद, अवसाद, पछतावा, अकेलापन, भय, असुरक्षा, अपमान समेटे विचलित व्याकुल तन। मन की अफंती नदी में भंवर बनकर स्वयं को ही इस चक्र में डुबोकर कभी वो जल समाधि ले लेती है और पुरुष इसे क्रोधाग्नि कहता है। असहनशील कहना ये भूल जाना है कि पतझड़ की वीरानी बसंत से ज्यादा स्त्री की बगिया में रहती है। स्त्री को देवी मेनका कहने वाला उसे केवल और केवल स्त्री कहकर उसके अस्तित्व, उसके सपनों के लिए एक खिड़की आसमान की तरफ खोल दे तो मैं अपनी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार पुरुष को देती हूं। एक और जी सर, जरूर खुशगवार सुनाइए। अच्छा, ये बहुत अच्छी कविता थी। मैं फिर अपनी उसमें से मैं ये सुनाती हूँ कि एक संदेश देना चाहूंगी। तुम्हें कहती हूँ और कहती रहूंगी कि प्यार करते रहना चाहिए, क्योंकि प्यार करते रहना चाहिए। तुम्हें कहती हूँ और कहती रहूंगी कि प्यार करते रहना चाहिए, कि प्यार करते रहना चाहिए। विश्वास करते रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास करते रहना चाहिए। पंख खोल लेना, डरना मत, ऊंचे उड़ना, मगर जमीन को देखते रहना, ऐसा करते रहना चाहिए। अतीत के ठहरे पानी में कंकर मत मारना, अतीत के ठहरे पानी में कंकर मत मारना,
भविष्य को देखना और सपने लेते रहना, कोशिश करते रहना अंत तक, क्योंकि ऐसा करते रहना चाहिए। जीवन सीधा और सरल है, जीवन सीधा और सरल, है, इसे जटिल प्रश्न मत बनाना। सधैर्य जीवन नदी को अविचलित पार पा जाओगी तुम। ये अलग बात है कि मैंने अब खिड़कियां बंद कर ली हैं और मजबूत सांकलों से दरवाजों को, अब आपके जो फ्यूचर श्रोता गाने उनको आप नमस्कार कर दीजिए जो सुनेंगे प्लीज। मगर तुम ऐसा मत करना और अपनी इच्छाओं को दोष मत देना, क्योंकि प्यार करते रहना चाहिए। अब अपनी ऑडियंस को नमस्कार कर, यही संदेश मेरी ऑडियंस को है, मेरे सुनने वालों को है कि प्यार करते रहना चाहिए और विश्वास करते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, अच्छा लिखते रहना चाहिए और साहित्य से जुड़े रहना। ये वीडियो आप यूट्यूब में, मेरा चैनल है प्रिंसिपल भूपिंदर, उसमें ये वीडियो देख सकते हो, देख सकते हैं। और मैं प्रिंसिपल भूपिंदर सर की बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, और ये इस उम्र में भी पूरी सक्रियता से पूरे चंडीगढ़ की को कवरेज करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट डालते रहते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच।